हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी की फिज़िकल केमिस्ट्री की यूनिट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। उसके नोट्स हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसका इंग्लिश मीडियम का नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। फ़िलहाल ये नोट्स हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के। तो यदि आपने पहले इसका सिलेबस नहीं देखा है तो आप बीएससी का सिलेबस देख लें, सेकंड ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री का। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन नोट्स की। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ पहले ही बता दूँ, ये जो इस चैप्टर के नोट्स हैं ये हैं थोड़े समझने वाले और इनमें है डेरिवेशन, इसलिए इसकी पीडीएफ मैं आपको नहीं दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर आप खुद से लिखें। इसलिए मैं इसका वीडियो स्क्रॉल करके बताऊँगी और आपको वीडियो देखते देखते इस चैप्टर के नोट्स लिखने हैं। बाकी और चैप्टर के नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, कुछ के पीडीएफ्स दिए हुए हैं, कुछ की डायरेक्ट आपको दे रखी है नोट्स, वो सारी आपने देख ही रखी होंगी। अलग अलग वीडियो मैंने बना रखी है सभी चैप्टर्स की। लेकिन इस चैप्टर के मैं आपको लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें आपके डेरिवेशंस हैं। अभी आप आगे देखोगे ना तो इसमें डेरिवेशंस आएंगे, और ये चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ के आए हुए हो तो ये बहुत ही इजी और बिल्कुल छोटा चैप्टर है आपका बीएससी के अंदर, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। यानी जब आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप डेफिनेटली कर दोगे इन नोट्स को पढ़ने के बाद। इन नोट्स में इस चैप्टर का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। अब देखिए, जैसे ये वाला जो आपका डेरिवेशन है ये इम्पॉर्टेंट है और ये आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर के अंदर, इसलिए इस डेरिवेशन को मैं चाहती हूँ आप खुद से करें। जब मैं आपको इनकी पीडीएफ नहीं दूंगी ना तभी आप इन्हें खुद से लिखोगे, वरना तो आप बस वो पीडीएफ को देखकर ही पढ़ लेते हो और डेरिवेशन को हाथ से सॉल्व करते ही नहीं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स में भी फिर दिक्कत आती है। आप एग्ज़ाम में उस डेरिवेशन को कर नहीं पाते, क्योंकि डेरिवेशन का मतलब ही होता है कि उसको हाथ से आप 4-5 बार जब तक खुद से सॉल्व नहीं कर लेते वो कंप्लीट नहीं होता आपको याद। ये आपकी जो इस चैप्टर की पीडीएफ है ना, ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी है। मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊंगी इस चैप्टर के, और अदर चैप्टर के नोट्स लेने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। जो चैप्टर बड़े होंगे ना मैं खुद आपको उसका पीडीएफ दे दूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कौन सा चैप्टर किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से आपको किस चैप्टर के नोट्स देने हैं। अब ये जूल थॉमसन इफ़ेक्ट है, मतलब ये सबसे मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन है आपका इस यूनिट का। हर बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल वो पूछ ही लेता है, तो ये तो आपको ज़रूर करना है। यदि मेरी वीडियो आपको फास्ट लग रही हो तो आप इसकी स्पीड स्लो कर लें, लेकिन अच्छे से लिखें, कोई भी छूटे नहीं आपकी कोई भी लाइन। ये देखिए, इसमें पूरा डेरिवेशन पार्ट है अब ये वाला आपका, और डेरिवेशन आपको खुद से करना है। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप बस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे दूंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको नोट्स देती हूँ ना, आप उसी तरीके से उन्हें लिया करें और उन्हें अच्छे से पढ़ा करें। अब देखो, मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाना। अब इन्हें समझना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इन्हें समझने के लिए मैंने आपको चैनल्स ही बता दिए हैं। हर सब्जेक्ट के मैंने आपको बेस्ट चैनल बता रखे हैं, उनके लिए वीडियो बता रखी है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट चैनल से ही अपनी स्टडी कर सकें बीएससी की। तो अब यह वाला चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हो गया, ये इसका लास्ट पेज था। इस तरीके से आपका ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और लेकर आऊँगी इसका सेकेंड पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।